गुड मॉर्निंग सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत। एमएससी फाइनल बॉटनी पेपर 5 एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी वाले पार्ट में पिछले वीडियो में अपन ने इन्फीरियर ओवरी की नेचर के बारे में अध्ययन किया, जिसमें अपेंडिकुलर एंड रिसेप्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा। इसी कड़ी में नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स एंड एवोल्यूशन ऑफ प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या है, इसके टाइप्स कितने हैं और इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके बारे में अपन इसमें स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्लेसेंटा? तो प्लेसेंटा इज डिफाइंड एज ए कुशन शेप्ड स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी अपॉन विच द ओव्यूल और ओव्यूल्स आर बोर्न। अर्थात प्लेसेंटा एक कुशन नुमा संरचना है ओवरी के अंदर, जिसके ऊपर ओव्यूल या ओव्यूल्स बोर्न होते हैं। प्लेसेंटा इज ऑलवेज सिचुएटेड ऑन द जंक्शन ऑफ टू मार्जिन्स ऑफ द सेम और डिफरेंट कार्पल्स। और इसकी जो सिचुएशन है वो सेम या डिफरेंट कार्पल्स के टू मार्जिन्स के जंक्शन पर होती है, और जो मार्जिनल बंडल है कार्पल के वो प्लेसेंटा के बंडल्स बनाते हैं। यूजुअली द टू कार्पलरी मार्जिनल बंडल्स फ्यूज इन प्लेसेंटा टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड मार्जिनल बंडल और द प्लेसेंटल बंडल्स। सामान्यतः इसमें दो कार्पलरी मार्जिनल बंडल होते हैं जो कि आपस में फ्यूज होकर प्लेसेंटल बंडल बनाते हैं। Now the question is whether the portion of a placenta contributed by one margin make half placenta or full placenta. इस संबंध में अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग मत दिए गए। जैसे इसमें एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्राउन। तो ब्राउन के अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ placenta इन एन ओवरी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कार्पल्स। तो ब्राउन ने ये बताया कि ओवरी के अंदर जो प्लेसेंटा का नंबर है वो कार्पल के नंबर के इक्वल होता है। बट वुड के अकॉर्डिंग क्या था, द नंबर ऑफ प्लेसेंटा इन एन ओवरी वुड बी डबल द नंबर ऑफ कार्पल्स मेकिंग द ओवरी। वुड ने ये बताया कि जो प्लेसेंटा का नंबर है वो कार्पल्स के नंबर से डबल होता है, जिनको कि ओवरी फॉर्मेशन होता है जिनके द्वारा। मोस्ट बॉटनिस्ट हैव एक्सेप्टेड द व्यू ऑफ ब्राउन। अधिकतर बॉटनिस्टों ने ब्राउन के व्यू को एक्सेप्ट किया। एंड कंसिडर द पोर्शन कंट्रीब्यूटेड बाई वन मार्जिन ऑफ द कार्पल एज ओनली हाफ प्लेसेंटा। तो कार्पल का एक मार्जिन है वो हाफ प्लेसेंटा बनाता है। सो दैट द नंबर ऑफ प्लेसेंटा इन एन ओवरी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्पल्स मेकिंग द ओवरी। अर्थात इस व्यू के अकॉर्डिंग किसी भी ओवरी में जितने कार्पल होते हैं उतने ही प्लेसेंटा होंगे। प्लेसेंटेशन टाइप की बात करें तो प्लेसेंटेशन जो टाइप्स है वो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कंप्रेहेंसिव क्राइटेरिया। अब क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं जिसके बेस पर प्लेसेंटा को क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट क्राइटेरिया इज नंबर ऑफ कार्पल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द गाइनोसियम व्हेन मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस और सिनकार्पस। किसी भी गाइनोसियम के अंदर कार्पस की संख्या कितनी है। नंबर ऑफ लोक्यूलाई इन द ओवरी एज सीन टीएस। टीएस के अंदर ओवरी के अंदर कितने लोक्यूल्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है पोजिशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की पोजिशन क्या है, वो पोजिशन सेंट्रल हो सकती है या पेरिफेरल हो सकती है। लोकेशन ऑफ प्लेसेंटा और प्लेसेंटाज आइदर ऑन द फ्यूज्ड मार्जिन्स ऑफ सेम और डिफरेंट कार्पल्स। और प्लेसेंटा की लोकेशन क्या है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है कंपोजिशन ऑफ द वस्कुलर सप्लाई ऑफ प्लेसेंटा वेदर मेड अप फ्रॉम द मार्जिनल बंडल्स ऑफ द सेम कार्पल और डिफरेंट कार्पल्स। नेक्स्ट क्राइटेरिया लोकेशन ऑफ द कार्पलरी डोर्सल एंड प्लेसेंटल बंडल दैट इज ऑन द सेम रेडियस और डिफरेंट रेडियाई। और लास्ट सेवन जो क्राइटेरिया है
वो है ओरिएंटेशन ऑफ प्लेसेंटल प्लेसेंटा, वो नॉर्मल भी हो सकता है या इनवर्स हो सकता है इन रिलेशन टू कार्पिलरी डोर्सल बंडल विच इज आरवल ऑलवेज नॉर्मली ओरिएंटेड। तो ये 7 क्राइटेरिया है जिसके बेस पर प्लेसेंटा प्लेसेंटेशन को क्लासिफाई किया गया है। अब इन 7 क्राइटेरिया के बेस पर देर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन अदर देन लेमिनर विच आर कैरेक्टराइज इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द बेसिस ऑफ अबोव 7 क्राइटेरिया। तो मेजर टाइप्स के जो प्लेसेंटेशन है उनमें 3 नाम आ रहे हैं जिनको 7 क्राइटेरिया के बेस पर क्लासिफाई किया गया है। अब 3 नाम क्या क्या है, पहला है मार्जिनल, दूसरा सेकेंड है एग्जाइल और थर्ड है पेराइटल। इनमें आप देख सकते हैं कि हर एक को करेक्टराइज किया गया है 7 क्राइटेरिया के द्वारा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लिखा है नंबर ऑफ कार्पस, सेकेंड पोजिशन ऑफ, थर्ड है लोकेशन ऑफ प्लेसेंटा, फोर्थ नंबर ऑफ लोक्यूली इन ओवरी, कंपोजिशन ऑफ वास्कुलर सप्लाई ऑफ प्लेसेंटा, सिक्स्थ लोकेशन ऑफ वास्कुलर सप्लाई, इसके बाद लास्ट 7 है ओरिएंटेशन ऑफ प्लेसेंटल बंडल्स इन रिलेशन टू द कार्पिलरी डोस्टल बंडल। तो इस बेस पे तीनों जो है मार्जिनल एक्जाइल एंड पेराइटल प्लेसेंटेशन को क्लासिफाई किया गया है। अब आता है प्लेसेंटल इवोल्यूशन, के प्लेसेंटा का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। द 3 मेन टाइप्स एक्जाइल पेराइटल और मार्जिनल की बात करें तो 3 टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन जिनका अपन नेम बताई दिया, मार्जिनल एक्जाइल एंड पेराइटल, हैव ऑलरेडी बीन करेक्टराइज, जिनको अपन करेक्टराइज कर चुके हैं इस टेबल के अंदर। अर्लियर देर वॉज लॉट ऑफ कॉन्ट्रावर्सी अबाउट द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, पहले इसके बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रावर्सी थी कि प्लेसेंटेशन के अंदर मोस्ट प्रिमिटिव टाइप कौन सा है। इन दिस वे पूरी अकॉर्डिंग टू पूरी एक्जाइल प्लेसेंटेशन इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप। पूरी ने यह बताया कि एक्जाइल जो प्लेसेंटेशन है वो मोस्ट प्रिमिटिव है। इसके बाद गुंडरसन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि पेराइटल प्लेसेंटेशन इज प्रिमिटिव। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेड्स मच वर्क हैज डन द प्रॉब्लम एंड देर इज नॉट मच कंट्रोवर्सी नाउ। मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन कैसे होता है, इसके अंदर ये है कि लॉस ऑफ लेमिना आउटर टू द अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल्स वुड गिव राइज टू मार्जिनल प्लेसेंटेशन। इसके अंदर जो अटैचमेंट्स ओव्यूल्स का अटैचमेंट है उससे बाहर अगर मान लो लेमिना का लॉस हो रहा है तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन डेवलप होगा। सेकंड आता है जैसे पेराइटल प्लेसेंटेशन, इसका कैसे इवोल्यूशन हुआ है। तो पेराइटल प्लेसेंटेशन के अंदर इफ टू और मोर कार्पल्स फ्यूज बिफोर फोल्डिंग, इसमें फोल्डिंग से पहले दो या अधिक कार्पल्स फ्यूज होते हैं, दे फॉर्म बाई और मल्टी कार्पलरी सिन कार्पस यूनिलोकुलर पेराइटल प्लेसेंटेशन। अब इसमें लास्ट है एक्जाइल प्लेसेंटेशन, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। इसके अंदर होता है इफ टू और मोर कार्पल्स फ्यूज आफ्टर देयर फोल्डिंग देन एक्जाइल प्लेसेंटेशन विल रिजल्ट। इसके अंदर भी दो या दो से अधिक कार्पल्स फ्यूज होते हैं लेकिन ये फोल्डिंग के बाद होते हैं, और पेराइटल के अंदर फोल्डिंग से पहले इनके अंदर फ्यूजन होता है, जबकि मार्जिनल के अंदर लेमिना का लॉस होता है, वो भी आउटर टू अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल्स। इस प्रकार तीनों प्लेसेंटेशन का ओरिजिन है इवोल्यूशन। फ्रॉम द अबाउ डिस्कशन द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ प्लेसेंटेशन टाइप्स बिकम क्लियर। इस डिस्कशन के बेस पर कुछ पॉइंट्स क्लियर होते हैं, वो पॉइंट्स क्या है। फर्स्ट पॉइंट इज लेमिनार प्लेसेंटेशन इज मोस्ट प्रिमिटिव एंड हैज गिवन राइज टू मार्जिनल प्लेसेंटेशन ओरिजिनेट। लेमिनार को सबसे प्रिमिटिव माना गया है और उसी से बाद में मार्जिनल प्लेसेंटेशन का ओरिजिन हुआ है। नेक्स्ट इफ टू और मोर कार्पल्स फ्यूज विद मार्जिनल प्लेसेंटेशन फ्यूज टुगेदर बिफोर फोल्डिंग पेराइटल प्लेसेंटेशन ओरिजिनेट। अब इसमें दो या दो से अधिक जब कार्पल्स मार्जिनल प्लेसेंटेशन के साथ फ्यूज होते हैं वो भी फोल्डिंग से पहले, तो उसमें पेराइटल प्लेसेंटेशन
ओरिजिनेट होता है। थर्ड पॉइंट इज इफ टू और मोर कार्पल्स फ्यूज आफ्टर देयर फोल्डिंग ए कंप्लीट देन एक्जाइल प्लेसेंटेशन ओरिजिनेट। अब यदि दो या दो से अधिक कार्पल्स उनकी फोल्डिंग कंप्लीट होने के बाद अगर फ्यूज होते हैं तो उस कंडीशन में एक्जाइल प्लेसेंटेशन ओरिजिनेट होता है। इस प्रकार सबसे जो प्रिमिटिव प्लेसेंटेशन है वो है लेमिनार प्लेसेंटेशन। दीज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द अबव प्लेसेंटेशन टाइप्स आर शोन इन फॉलोइंग डायग्राम। अदर प्लेसेंटेशन टाइप के अंदर कुछ अपन और दूसरे प्लेसेंटेशन के टाइप बात करते हैं, जैसे इसके अंदर नेमली प्री सेंट्रल है, बेसल है, पेंडुलस है, हैव बीन डेराइव्ड फ्रॉम द अबव थ्री बेसिक टाइप्स। इनका ओरिजिन जो पिछले तीन अपन बेसिक टाइप्स के बारे में किया उसी से हुआ है। अब जैसे इसमें प्री सेंट्रल की बात करें तो प्री सेंट्रल जो प्लेसेंटेशन है, व्हेन द प्लेसेंटा लाइज इन द सेंटर ऑफ द ओवरी अनकनेक्टेड टू इट्स वॉल, प्लेसेंटेशन इज डिस्क्राइब्ड एज प्री सेंट्रल। दिस इज डेराइव्ड फ्रॉम द एक्जाइल प्लेसेंटेशन, और इसका जो डेरिवेशन है वो हुआ एक्जाइल प्लेसेंटेशन से इन द फैमिली कैरियोफिलेसी इन सेवरल जेनरा सच एज सेपोनेरिया। द यंग ओवरी सो एक्जाइल प्लेसेंटेशन विद मेच्योरिटी ऑफ द सेप्टा ब्रेक डाउन एंड द प्लेसेंटेशन मास इज लेफ्ट इन सेंटर विदाउट एनी अटैचमेंट टू द ओवरी वॉल, दैट इज सोविंग कन्वर्जन ऑफ एक्जाइल प्लेसेंटेशन इन टू प्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन ड्यू टू ब्रेक डाउन द सेप्टा। इस प्रकार जो एक्जाइल प्लेसेंटेशन है उससे प्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन बनता है जो कि सेप्टा के ब्रेकडाउन से होता है। बेसल प्लेसेंटेशन की बात करें तो बेसल जो प्लेसेंटेशन है, व्हेन यूजुअली वन समटाइम्स ए फ्यू ओव्यूल्स अपीयर टू अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द लोक्यूल्स, प्लेसेंटेशन इज सेड टू बेसल। दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स एज फ्रॉम मार्जिनल प्लेसेंटेशन। अब जो बेसल प्लेसेंटेशन उसकी डेरिवेशन की बात करें तो ये डिफरेंट टाइप से ओरिजिनेट होता है, जिसमें पहला है फ्रॉम मार्जिनल प्लेसेंटेशन। बाय द लॉस ऑफ ओव्यूल्स ऑल ओव्यूल्स एक्सेप्ट द वन लोअर मोस्ट, इसके अंदर सभी ओव्यूल्स का लॉस हो जाता है। इवन इंटरमीडिएट स्टेजेज आर ओपन सीन व्हेन द डिजेनरेटिंग ओव्यूल्स आर सीन। सेकेंड है फ्रॉम एक्जाइल प्लेसेंटेशन। फैमिली कंपोजिटी इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज ऑफ बेसल प्लेसेंटेशन, रेयरली इन सेवरल जेनरा ऑफ दिस फैमिली टू ओव्यूल्स आर प्रेजेंट एंड ओवरी इज बायलोक्युलर इन लोअर रीजन। इसमें टू ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ओवरी जो है लोअर रीजन पर बायलोक्युलर होती है। थर्ड है इस लाइन इसका फ्रॉम पेराइटल प्लेसेंटेशन। दिस सीन इन पेपिरोमिया वेयर द गाइनोसिम इज बायकार्पिलरी, जिसके अंदर गाइनोसिम बायकार्पिलरी सिन कार्पस विद ए बेसल ओव्यूल, जिसमें एक बेसल ओव्यूल होता है इन रिलेटेड टेक्सा जैसे मोरस। द सिंगल ओव्यूल इज क्लियरली पेराइटल इन साइड द यूनिलोकुलर ओवरी ऑफ द बायकार्पिलरी सिन कार्पस गाइनोसियम। लाइकवाइज इन द फैमिली ग्रेमिनी टू द बेसल ओव्यूल हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम पेराइटल कंडीशन। इस प्रकार तीन लाइनों से इसका इवोल्यूशन हुआ है। अब इसमें नेक्स्ट आता है पेंडुलस प्लेसेंटेशन। इस ये अदर टाइप का है बेसिक से हटकर। पेंडुलस जो प्लेसेंटेशन है वो इसके अंदर व्हेन वन और मोर ओव्यूल्स हैंग डाउन फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द लोक्यूल्स इन ए यूनिलोकुलर ओवरी। ये यूनिलोकुलर ओवरी के अंदर लोक्यूलस के अंदर सीलिंग से एक या अधिक ओव्यूल्स के हैंगिंग से डेवलप होता है। प्लेसेंटेशन इज कॉल्ड एज पेंडुलस। प्रोबेबली इन ऑल केस पेंडुलस प्लेसेंटेशन हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम पेराइटल प्लेसेंटेशन, और इस गार्ड जो डेरिवेशन हुआ है पेंडुलस का वो पेराइटल प्लेसेंटेशन से हुआ है। व्हेन वन और मोर ओव्यूल्स हैंग डाउन फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द लोक्यूलस इन ए यूनिलोक्युलर ओवरी, प्लेसेंटेशन इज कॉल्ड पेंडुलस। Probably in all case pendulous placentation has been derived from parietal placentation. In cucurbitaceae the ovary is multicarpillary sin carpus unilocular with numerous ovules on parietal placentation.
इस प्रकार अपन ने इसके अंदर प्लेसेंटेशन के टाइप्स और उनके इवोल्यूशन के बारे में स्टडी किया। सभी को धन्यवाद।